टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीबी का बेसिक प्रिंसिपल और उसका एप्लीकेशन रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखेंगे। टॉपिक कवर करेंगे एमसीबी का बेसिक और उसका वर्किंग प्रिंसिपल, साथ में टाइप ऑफ एमसीबी, सिलेक्शन गाइड फॉर एमसीबी और प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये सर्किट को ब्रेक करने के काम आता है। तो एमसीबी जस्ट लाइक किटकैट फ्यूज और उसमें एड ऑन फीचर्स ऐड किए गए हैं। किटकैट फ्यूज में क्या होता था कि आपको फ्यूज वायर यूज करना पड़ता था और फॉल्ट कंडीशन में फ्यूज वायर ब्लोन आउट हो जाता था, तो आपको उसको रिवायर्ड करना पड़ता था। बट एमसीबी में ऐसा नहीं है, उसमें फ्यूज वायर जैसी कोई भी चीज नहीं होती, उसमें मैकेनिज्म होता है जो कि सर्किट को ट्रिप करता है। तो एमसीबी काम कैसे करता है कि एक्सेस करंट जब आता है तो वो सर्किट को ट्रिप कर देता है, और जब नॉर्मल कंडीशन में आपकी सर्किट आ जाती है तो फिर से आप उसको जस्ट लाइक स्विच ऑन कर सकते हैं। और ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन और ओवरलोड कंडीशन दोनों के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इसका यूज रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, और ये अलग अलग रेटिंग में अवेलेबल है, तो आप इसको इजिली यूज कर सकते हो। एमसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल इस तरीके से है कि इसमें ट्रिपिंग करने के लिए ट्रिपिंग मैकेनिज्म दिया गया होता है। तो तीन टाइप का ट्रिपिंग मैकेनिज्म यूज किया जाता है, डिले थर्मल ट्रिपिंग ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए, मैग्नेटिक ट्रिपिंग शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए, और मैनुअल स्विचिंग ऑन ऑफ फंक्शन के लिए। ये तीनों ट्रिपिंग मैकेनिज्म को हम लोग इमेज के थ्रू समझते हैं। ये क्रॉस सेक्शन है एमसीबी का, जिसमें कि ये टर्मिनल्स हैं, एक इन का टर्मिनल, एक आउट का टर्मिनल। इसके अलावा एक हैंडल है, इसमें ऑन ऑफ के लिए फीचर्स है, और स्प्रिंग के थ्रू ये सर्किट को ऑन करता है या ऑफ करता है। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होता है एमसीबी के अंदर, जो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में वर्क करता है और इमीडिएट आपको विद इन सेकेंड सर्किट को ट्रिप कर देता है। इसके अलावा ओवरलोड कंडीशन में सर्किट को ट्रिप करने के लिए एक बाइमेटलिक स्ट्रिप दिया रहता है। जब आपका करंट डिफाइंड लोड से ज्यादा रहेगा तो ये स्ट्रिप जो है सर्किट को ब्रेक करेगा। इसके बाद एक आर्क चैम्बर रहता है जो आर्क को एक्सटिंग्यूश करता है। तो इसका वर्किंग इस तरीके से, जब आपका सर्किट ब्रेक होगा तो एक आर्क जनरेट होता है, तो उस आर्क को सेपरेट करने के लिए आर्क चैम्बर का यूज किया जाता है। जैसा कि दिख रहा है, यहाँ से आर्क जनरेट हुआ और यहाँ पे ये सेपरेट हो गया। इस तरीके से आपका ट्रिपिंग फंक्शन काम करता है एमसीबी के अंदर, और ये पूरा असेंबली जो है एक रिविट पार्ट में इंक्लोज रहता है, तो कोई भी फायर जो है इसके बाहर नहीं जाता है। अभी हम लोग टाइप ऑफ एमसीबी के बारे में देखेंगे। तो जनरली थ्री टाइप के एमसीबी मार्केट में इजिली अवेलेबल है और वाइडली यूज किए जाते हैं, वो है बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप के एमसीबी भी हैं, जैसे कि के टाइप, जेड टाइप, जो कि स्पेशल पर्पस में यूज किए जाते हैं। तो बी टाइप का एमसीबी जो है वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बनाया गया है, जिसमें कि ट्रिपिंग रेंज जो है 3 to 5 टाइम ऑफ रेटेड करंट है, और इसका एप्लीकेशन जहां पे रेसिस्टिव लोड रहेगा या स्मॉल इंडक्टिव लोड, लाइक आपका लाइटिंग लोड, घर का लोड, ये सब आपके बी टाइप के एमसीबी में कवर होते हैं। और कोई भी एमसीबी आप परचेस करोगे तो उसके ऊपर नॉमेनक्लेचर दिया होता है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ ये बी टाइप का एमसीबी है, और 13 का मतलब इसका करंट रेटिंग। इसी तरीके से बी टाइप एमसीबी का ट्रिपिंग ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है। सपोज कीजिए कि आपका एमसीबी का रेटिंग 10 एम्पियर है, तो ट्रिपिंग रेंज जो है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में वो 30 से 50 के बीच में रहेगा। तो इसके बीच में अगर करंट है तो विद इन माइक्रो सेकेंड आपका एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। अदरवाइज अगर वो ओवरलोड कंडीशन में रन कर रहा है, लाइक 15 एम्पियर, तो वो ट्रिप होने में 1 मिनट का टाइम लेगा। तो ये ग्राफ जो है अलग अलग टाइप के एमसीबी के लिए अलग अलग रहता है, और इसका काफी इंपॉर्टेंस है जब आप सर्किट डिजाइन कर रहे हो एमसीबी के साथ। इसी तरीके से सी टाइप एमसीबी जो है इंडक्टिव लोड के लिए यूज किया जाता है, जहां पे सर्ज करंट ज्यादा रहता है, लाइक मोटर। मोटर के लिए आप जो एमसीबी यूज करोगे वो सी टाइप का रहेगा। इसका यूज जनरली कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, और इसका ट्रिपिंग रेंज 5 to 10 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट रहता है। इसी तरीके से डी टाइप एमसीबी जो है
वो 10 से 20 टाइम ऑफ रेटेड करंट इसका ट्रिपिंग रेंज है। और इसका एप्लीकेशन वहां पे होता है जहां पे बहुत ही ज्यादा इंडक्टिव लोड है और इनरश करंट फ्रिक्वेंट आता रहता है। तो इसका लोकेशन ऑफ यूज जो होगा वो एक्सरे मशीन, यूपीएस, वेल्डिंग मशीन, इस टाइप के इक्विपमेंट में किए जाते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ एमसीबी और उसके ट्रिपिंग रेंज, टाइप ऑफ लोड और एप्लीकेशन यहाँ पे टेबल में दिखाया गया है, जो कि इजिली आप समझ सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर आपको एमसीबी लगाना है तो उसका सिलेक्शन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका करंट रेटिंग कितना चाहिए, आपके लोड में कितना करंट है, वो डिसाइड करेगा कि आपका एमसीबी का रेटिंग कितना रहेगा। इसके बाद एमसीबी का टाइप हमको सिलेक्ट करना है कि बी टाइप का यूज करना है, सी टाइप का यूज करना है या डी टाइप का यूज करना है। इसके बाद के ए रेटिंग हमको डिसाइड करना है, ये डिसाइड करेगा कि जब आपका फॉल्ट आएगा तो आपका एमसीबी सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो रेसिडेंशियल एप्लीकेशन में 6 KA का रेटिंग रिक्वायर्ड रहता है। और इसी तरीके से अगर आपका कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है तो वहां पे 10 KA रेटिंग का एमसीबी रिक्वायर्ड रहता है। और इसके एबो रेटिंग का अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आपको एमसीबी में सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको एमसीसीबी यूज करना पड़ेगा। एमसीसीबी हायर रेटिंग के लिए यूज किया जाता है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने टाइप ऑफ एमसीबी उसके ट्रिपिंग करंट के रेंज के हिसाब से देखा था। यहाँ पे हम लोग एमसीबी को अलग अलग टाइप में डिफाइन कर सकते हैं उसके नंबर ऑफ पोल के हिसाब से। तो एक रंग रहेगा तो उसको सिंगल पोल बोलेंगे, अगर दो रंग का एमसीबी है तो उसको टू पोल का बोलेंगे। और कुछ एमसीबी में ऐसा होता है कि एक पोल होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल वाला जो रंग है उसमें केवल स्विच रहता है, उसमें ट्रिपिंग मैकेनिज्म नहीं रहता है। तो वो सिंपल स्विच का काम करता है और वो अटैच रहता है आपके लीवर से। तो अगर आपका पोल ट्रिप हो रहा है तो न्यूट्रल भी ट्रिप हो जाएगा। जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है कि ये SPN टाइप का एमसीबी है, इसका मतलब हुआ इसमें एक पोल है और एक न्यूट्रल है। तो पोल वाले एमसीबी में ट्रिपिंग मैकेनिज्म है, फॉल्ट अगर आएगा तो ये ट्रिप करेगा। और साथ में न्यूट्रल वाला जो पार्ट है इसमें ट्रिपिंग नहीं है, तो ये अटैच है पोल से। और जब पोल वाला एमसीबी ट्रिप करेगा तो साथ में न्यूट्रल वाला एमसीबी भी ट्रिप हो जाएगा। इसी तरीके से ये 4 पोल का एमसीबी है, इसमें किसी भी पोल में अगर फॉल्ट करंट आता है तो पूरा एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। अब इस टेबल में अलग अलग टाइप के एमसीबी उसके पोल के हिसाब से उसका नॉमेनक्लेचर और उसका शॉर्ट नेम दिया गया है। लाइक 1 पोल के एमसीबी को हम लोग सिंगल पोल एमसीबी बोलते हैं और उसको शॉर्ट में SP बोलते हैं। इसी तरीके से 2 पोल के एमसीबी को डबल पोल एमसीबी, DP भी बोलते हैं। अभी तक हम लोगों ने एमसीबी का बेसिक प्रिंसिपल, उसका सिलेक्शन और टाइप ऑफ एमसीबी के बारे में देखा। अभी हम लोग एमसीबी का प्रैक्टिकल यूज और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में उसका यूज कैसे करना है उसके बारे में देखेंगे। उसके लिए एक एग्जांपल लिया है ओवरहेड LED लाइटिंग का, जिसमें कि 5 नंबर ऑफ सर्किट है और इस सर्किट में 5 LED लाइट्स हैं जिसका रेटिंग 150 वॉट है। तो एक सर्किट मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो एक लाइट 150 वॉट का है, तो टोटल लोड जो रहेगा वो 750 वॉट हो जाएगा। और इस सर्किट में जो करंट ड्रॉ करेगा वो 3.4 एम्पेयर का करंट ड्रॉ करेगा। अभी ईच सर्किट में 3.4 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, तो मेन सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो 17 एम्पेयर का है। अभी सब सर्किट में कितने एम्पियर का एमसीबी लगेगा और मेन सर्किट में कितने रेटिंग का एमसीबी लगेगा वो कैलकुलेट करना है हमको। तो उसके लिए एक थंब रूल है कि आपको करंट का 125% लेना होता है एमसीबी रेटिंग सेलेक्ट करने के लिए। तो आप जब 3.4 का 125% लोगे तो वो 4.25 एम्पियर आ जाएगा। तो करंट आ गया 4.25 एम्पियर। और इस रेंज में जो मार्केट में एमसीबी अवेलेबल है वो 6 एम्पियर का है। तो हमको 6 एम्पियर का एमसीबी यूज करना है सब सर्किट के लिए, और इसका टाइप बी टाइप रहेगा क्योंकि ये लाइटिंग लोड है। इसी तरीके से मेन सर्किट का जो लोड है वो 17 एम्पियर है और इसका 125% 21.25 एम्पियर होता है। तो जो नियरेस्ट एमसीबी है वो 25 एम्पियर का हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसका टाइप बी रहेगा। अभी इसका कनेक्शन डायग्राम देख लेते हैं। तो ये एक शीट मेटल इंक्लोजर या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोल सकते हैं एमसीबी का है। तो
तो सबसे पहले आपको फेज और न्यूट्रल का इनकमिंग एमसीबी में देना है। इसके आउट से फेज का वायर निकालना है और सब सर्किट के एमसीबी के इनकमिंग में देना है। इसी तरीके से न्यूट्रल का वायर यहां से निकाल कर न्यूट्रल चैनल में कनेक्ट कर देना है। इसके बाद एक फेज का वायर एमसीबी वन से आउट करेंगे और न्यूट्रल का वायर न्यूट्रल चैनल से, वो सर्किट वन को चला जाएगा। इसी तरीके से सर्किट टू, सर्किट थ्री, सर्किट फोर, सर्किट फाइव। इस तरीके से लाइटिंग लोड का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इस टॉपिक को ज्यादा लंबा ना करते हो, अपने वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ।